सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के रिगार्डिंग आप एक वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्यूरेशन क्या होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में, डी फार्मा सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर किए जाते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 2 साल का कोर्स होता है तो कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। देन और क्या कवर करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है अपेयर होने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एग्जाम में, देन हाउ एग्जामर कंडक्टेड, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें, देन मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर एग्जाम में डिप्लोमा के, देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो एरियाज हैं जिनमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बाद क्या होता है कि 3 मंथ की आपको ट्रेनिंग करनी होती है तो कौन कौन सी जगह पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह अप्रूव्ड हैं ट्रेनिंग करने के लिए, देन इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो प्रोवाइड करते हैं डी फार्म कोर्स, इसमें कुछ आपको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो हैं वो बताए जाएंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं डी फार्म कोर्स, देन जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है डी फार्म के बाद, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, देखिए गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं बहुत सारी जो डी फार्म के बाद आप कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स होती हैं एंड अदर्स जो होती हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं, एंड बताया जाएगा सैलरी कितनी होती है अगर आप डी फार्म कंप्लीट करते हैं तो। देखिए क्या होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये कोर्स जो है ये 2 एकेडमिक ईयर्स में डिवाइड होता है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, एंड डिवाइड होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन, ये 2 साल के कोर्स के बाद आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन करना होता है जो 3 महीने का होता है, देन जब आप कंप्लीट कर लेते हैं ये एकेडमिक प्रोग्राम मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो जो कैंडिडेट है उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिससे वो डिप्लोमा कोर्स कर रहा है उससे, एंड देन इसके बाद ही वो अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए। देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, Part 1, Part 2 and Part 3 में डिवाइड होता है, क्या होता है देखिए स्टूडेंट जो है उसको पहले क्लियर करना होता है फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी, देन सेकंड ईयर ऑफ फार्मेसी, देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी जो है उसको प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट। देन ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या होता है, 2 साल जैसे अभी हमने बताया 2 साल का कोर्स होता है प्लस ट्रेनिंग होती है, Part 1 जो है वो फर्स्ट ईयर होता है, देन Part 2 में क्या होता है सेकेंड ईयर होता है, एंड Part 3 क्या होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो 500 आवर्स और हम कह सकते हैं अराउंड 3 मंथ की जो है ट्रेनिंग करनी पड़ती है स्टूडेंट को। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एंट्री लेने का, देखिए कैंडिडेट जो है वो 10+2 पास्ड आउट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए या उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, या बहुत सारे स्टूडेंट के पास दोनों ही होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ, तो वो सबको इंक्लूड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट होना चाहिए जो कैंडिडेट है वो। देन क्या होता है मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, कितने एग्रीगेट मार्क्स चाहिए वो वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, इसलिए आपको एक रेंज दी हुई, देखिए 45-60% के बीच में होने चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। देखिए ये एग्रीगेट मार्क्स से बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंडिविजुअल मार्क्स इनके बीच में चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये एग्रीगेट मार्क्स होते हैं बट इनको कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो इसमें इंक्लूड करें ही बिल्कुल, इसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो उसको इंक्लूड करें, प्लस आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको इंक्लूड करके आपको एडिशनल अपने एग्रीगेट मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करने होते हैं। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एडमिशन लिया जाता है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में, देखिए ये भी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, तो इसको हम डिवाइड करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, मेरिट बेस्ड एडमिशन में क्या होता है कि सीट्स जो है वो अलॉट की जाती है जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, जितने उनके बोर्ड एग्जामिनेशन जो 12th का एग्जाम होता है उनका उसमें जितने उनके मार्क्स आए होते हैं तो उसके बेस पे मेरिट के बेस पे काफी सारे जो कॉलेज इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें एडमिशन किया जाता है डी फार्मा कोर्स जो है उसके लिए। देन काफी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो मेरिट को भी नहीं देखते और प्लस उनमें एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होते, डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट जा सकता है इंस्टीट्यूट में, अपनी फीस सबमिट कर सकता है और वो डायरेक्ट ही ले लेते हैं बच्चों को डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए। देन 3rd कैटेगरी में आता है एडमिशन बाय एंट्रेंस एग्जाम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम अपने कंडक्ट करते हैं जिनके थ्रू जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका एडमिशन होता है इनको डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में। देन देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है उसमें, तो इस इन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जाम्स भी होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एग्जाम होता है, उस फर्स्ट ईयर होता है उसमें फार्मास्यूटिक्स होता है एक जो सब्जेक्ट होता है, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, फार्माकोग्नोसी होता है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी होता है। देखिए टीपी आपको दिख रहा है, टीपी मतलब ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होते हैं फार्मास्यूटिक्स के, देन फार्माकेम के भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होते हैं, फार्माकोग्नोसी के भी होते हैं, देन बायोकेमिस्ट्री के भी होते हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। सिर्फ एक ही है इसमें हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इसके नहीं होता, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, इसका सिर्फ थ्योरी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 होते हैं और मिनिमम मार्क्स जो है इसमें 40 चाहिए होते हैं, 40 to 50 इसकी भी रेंज है, इंस्टीट्यूट पे वेरी करता है। तो इसमें देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सारे सब्जेक्ट्स, इनके रिगार्डिंग हमने ट्यूटोरियल्स भी अपलोड किए हैं, फार्मा कैंप के हमने अभी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, उसको दबा दीजिए ताकि जब हम नई वीडियोज अपलोड करेंगे इन सभी रिगार्डिंग तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप देख पाए वीडियोस को। देन फार्मा जो डी फार्मा जो सेकंड ईयर एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, देखिए फार्मास्यूटिक्स 2 होता है इसमें भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 2 होता है इसमें भी ये भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है, एंड इसमें क्या होता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस इसकी सिर्फ थ्योरी होती है, देन ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट DSBM के नाम से जाना जाता है इसकी भी सिर्फ थ्योरी ही होती है, एंड देन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी होती है HCP के नाम से जानते हैं इसको, इसका भी होता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो इसके रिगार्डिंग भी हम अपने ट्यूटोरियल जो है लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको उनसे, तो प्लीज आप देख लें उनको। देन और दूसरे जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके लिए बुक्स, तो देखिए बुक्स के रिगार्डिंग अगर हम बताएं तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनके आपको डिस्क्रिप्शन में, जिनके बारे में आपको मैं दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बट ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा कि जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं वहां के जो टीचर्स हैं या वहां के जो सीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट करके आप जो बुक्स वगैरह हैं वो खरीदें, क्योंकि इसका भी इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स होता है उसमें बहुत ही लिमिटेड सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस आता है आपका जो एग्जाम्स होते हैं, तो बहुत ही जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं बहुत, ये भी डिपेंड करती है कि आप कौन से बोर्ड से कौन से इंस्टीट्यूट से अपेयर कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा कि वहाँ के टीचर्स और वहाँ के जो सीनियर्स हैं अपने उनसे कंसल्ट करके आप बुक लें। बाकी आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं जिसमें आपको बुक्स के नाम दिए गए हैं। नहीं देखिए क्या होता है, एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ईयर एग्जाम, किस किस आप कैसे एलिजिबल होते हैं कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एग्जाम में बैठ पाएं। देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम दोनों में ही क्या होता है कि मिनिमम 75% अटेंडेंस चाहिए होती है आपको दोनों ही थ्योरी प्रैक्टिकल सेपरेटली, 75% थ्योरी में चाहिए होती है, 75% प्रैक्टिकल में चाहिए होती है फर्स्ट ईयर में भी, और सेकंड ईयर में भी 75% चाहिए होती है सेपरेटली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में, तभी आप एग्जाम जो है उसमें बैठ पाते हैं। देन कैसे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में, देखिए हर साल जो है दो एग्जाम्स होते हैं जो डिप्लोमा होता है उसमें। देखिए फर्स्ट एग्जाम जो होता है वो एनुअल एग्जामिनेशन होता है जो कि फॉर ऑल द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट, सारे ही फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए होता है, बिटवीन मई से जून के बीच में होता है। और जो सेकंड एग्जाम होता है वो सप्ली एग्जाम होता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम, ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो किसी वजह से पास नहीं हो पाते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट जो है उनमें, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होता है वो बिटवीन नवंबर टू दिसंबर के बीच में होता है। देन मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, दोनों ही फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के ही थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होते हैं जो कि 3 घंटे के होते हैं, 3 आवर्स ड्यूरेशन के होते हैं। कैंडिडेट जो कि पास नहीं हो पाते हैं थ्योरी या प्रैक्टिकल में वो रीअपेयर हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है उसमें वो बैठ सकते हैं, थ्योरी में ही ज़्यादातर होता है, प्रैक्टिकल जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो पाता कि कैंडिडेट जो है वो पास ना हो पाए, बट थ्योरी में भी अगर होता है ऐसा कुछ तो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसमें कैंडिडेट जो है वो अपेयर हो सकते हैं। देन प्रैक्टिकल एग्जाम जो है उसमें ओरल वाइवा एग्जाम होता है जो पूरे साल आप प्रैक्टिकल जो करते हैं अपने लैब्स में, तो उनके रिगार्डिंग एग्जाम होता है, वाइवा होता है जिसमें एग्जामिनर होता है जो आपसे वो पूछता है जो क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, तो ये होता है, ये पूरा ही इस तरह से एग्जाम जो है वो कंडक्ट होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में।
देन मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एग्जाम में, जो स्टूडेंट है देखिए उसके कम से कम 40 से 50% तक, मिनिमम 40 to 50% तक मार्क्स होने चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेटली, तभी वो पास हो पाता है जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें, इंक्लूडिंग सेशनल मार्क्स। सेशनल क्या होते हैं देखिए, ये साल में 2 बार होते हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं 10-10 नंबर के एग्जाम होते हैं साल में 2 बार, जो अपना कॉलेज जो है वो इंटरनली ही कंडक्ट करता है, तो उसको इंक्लूड करके 40 से 50% तक मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट के। एंड अगर कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाता है मोर देन 2 सब्जेक्ट्स में तो उसको प्रमोट नहीं किया जाता नेक्स्ट लेवल पे, तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। देन देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बारे में। देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में ही सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों के लिए होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट की सप्ली आती है 2 सब्जेक्ट में, मतलब वो 2 सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है सेकंड ईयर में, बट उसकी उसको बैठना होता है जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं नवंबर से दिसंबर में, उसके भी उसके लिए उसको बैठना होता है उन एग्जाम्स में और उसको क्लियर करना होता है। देन अगर उसकी सप्ली आती है 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर वो फेल हो जाता है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाता है सेकेंड ईयर में, इसको सेकेंड ईयर में भेज दिया जाता है। देखिए 2 up to 2 जो हैं, अगर 2 तक में है तो भेज दिया जाता है, बट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर फेल हो गया है तो उसको सेकेंड ईयर में नहीं भेजा जाता है, ईयर डाउन हो जाता है उसका। देन उसको बैठना होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में होते हैं। देन अगर वो पास हो जाता है सप्लीमेंट्री एग्जाम में, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स में उसकी जो बैक आई है 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, बट अगर उसमें से एक भी सब्जेक्ट्स में पास हो जाता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है सेकेंड ईयर में। अगर 3 सब्जेक्ट्स में पास हो जाता है तो 100% प्रमोट कर दिया जाता है, एक में भी पास हो जाता है तो प्रमोट कर दिया जाता है सेकंड ईयर में। देन सेकंड ईयर एग्जाम में देखिए क्या होता है कि अगर स्टूडेंट जो है उसकी सप्ली आती है या तो सेकंड ईयर के किसी सब्जेक्ट्स में या फर्स्ट ईयर का ही, देखिए जैसे इसने एग्जाम दिए यहाँ पर ये इसकी 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली थी, बट ये एग्जाम में बैठा और इसकी अगर मान लीजिए 1 सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुई तो ये सेकंड ईयर में तो है, बट क्या होता है देखिए अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में या तो सेकंड ईयर के किसी सब्जेक्ट्स में किसी की बैक आ गई या फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ही है जो वो स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पा रहा है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलता जब तक वो अपनी उस बैक को क्लियर नहीं करता। मतलब देखिए यहाँ फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा था कि अगर आपकी सप्ली है भी 2 सब्जेक्ट में तभी आपको प्रमोट कर दिया जा रहा था, बट सेकेंड ईयर एग्जाम जो है उसमें आपको वो क्लियर करनी ही पड़ेगी सप्ली, उसके बिना आपको क्या होगा लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। देन उसको क्या करना पड़ता है, उसको फिर से सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठना होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में, अगर पास हो जाता है सप्लीमेंट्री एग्जाम में तो उसको लाइसेंस मिल जाता है। तो इसमें बस यही समझने वाली बात है कि अगर दो तक सब्जेक्ट्स में उसकी सप्ली फर्स्ट ईयर में है तो प्रमोट कर दिया जाता है सेकेंड ईयर में, अगर 2 से ज़्यादा सप्ली है उसकी फर्स्ट ईयर में तो उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसको कम से कम 1 सब्जेक्ट क्लियर करना होता है, बट प्रमोट होने के बाद भी सेकेंड ईयर जो है उसको पूरा ही क्लियर करना होता है अगर उसको अपना लाइसेंस चाहिए तो। देन अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एरियाज। जब जो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन होते हैं, देखिए पार्ट 2 एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होता है ट्रेनिंग के लिए, जो कि अप टू थ्री मंथ मतलब अप टू 500 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। इसमें कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कर सकता है, देखिए हॉस्पिटल में कर सकता है, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जो कि रन होती है बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देन जो फार्मेसी या केमिस्ट शॉप होती है उन पर भी वो ट्रेनिंग कर सकता है, बट वो लाइसेंस होनी चाहिए अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940 के अंडर वो लाइसेंस होनी चाहिए केमिस्ट शॉप या फार्मेसी। देन ऑल्सो कर सकता है वो ट्रेनिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो कि ऑल्सो लाइसेंस होने चाहिए ड्रग ऑन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत, उनका लाइसेंस होना चाहिए। देन कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि प्रोवाइड करते हैं डी फार्म कोर्स, देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो डी फार्मा कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली जो कि बहुत ही रेप्यूटेड है, देन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है, देन MET इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि मुंबई में है, एंड दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च डिप्सार जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि बहुत ही रेप्यूटेड हैं डी फार्म कोर्स के लिए। देख लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है डी फार्म के बाद, आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जैसे रेलवे हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, और सारे ही जो सेंटर और स्टेट के द्वारा जो रन किए जाते हैं हॉस्पिटल उनमें आप जॉब कर सकते हैं, देन गवर्नमेंट क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, देन ESI, MCD, NDMC, आर्मी और नेवी के फार्मासिस्ट के फॉर्म्स निकलते हैं तो उनको आप फिल कर सकते हैं। देखिए इन सबके ही रिगार्डिंग हम अपने चैनल पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं इन एग्जाम्स में वो भी अपलोड करेंगे, तो अगर अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। देन प्राइवेट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं डी फार्म करने के बाद, हॉस्पिटल में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं प्राइवेट उनमें आप जॉब कर सकते हैं। देन अदर सेक्टर में क्या है, देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या है, MR बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से प्राइवेट सेक्टर में ही आता है तो उसकी जॉब कर सकते हैं।
आप देन केमिस्ट शॉप पे कर सकते हैं, सेल्फ ओन्ड या प्राइवेट, क्योंकि आपको डी फार्म करने के बाद अपना खुद का लाइसेंस मिल जाता है, तो आप खुद की केमिस्ट शॉप खोल भी सकते हैं, और आप अगर आप चाहें तो किसी और की केमिस्ट शॉप पे भी काम कर सकते हैं। देन आप एज अ होम ट्यूटर भी काम कर सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं जो फार्मेसी के सब्जेक्ट हैं उनके उसके रिगार्डिंग। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी में कि क्या परसेंटेज जो है हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड डिप्लोमा की, क्या वो भी मैटर करती है, तो बहुत ही क्लियर करने वाली बात है कि परसेंटेज जो है वो आपका जो रिज्यूम होता है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं या किसी भी सेक्टर में जाते हैं, तो आपका रिज्यूम जो होता है उसको वो अच्छा बनाती है, परसेंटेज जरूर बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आती है तो हायर स्टडीज, अगर आप डी फार्मा के बात करना चाहते हो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होता है, बट एज सच परसेंटेज इतना मैटर नहीं करती है किसी भी जॉब फील्ड में, जॉब जो है किसी में भी वो उसमें क्या मैटर करता है कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है, किसी भी जॉब इंटरव्यू में कितना आपका कॉन्फिडेंस है, और उस समय जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप कितने अच्छे से रिप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या परसेंटेज भी मैटर करती है, तो इतना मैटर नहीं करती, बस वो आपका रिज्यूम अच्छा बनाती है, बट आपकी अच्छी परसेंटेज होगी तो आपको हायर स्टडीज में बेनिफिट होगा। देखिए आप देख लेते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है आफ्टर डी फार्म के बाद, आप कितना सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए सैलरी जो है फार्मासिस्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो वो डिपेंड करती है कि प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है, जो आपको जॉब दे रहा है उसकी क्या प्रोफाइल है। दूसरा डिपेंड करती है वो जॉब लोकेशन पे, जहां पर आप जाते हैं जॉब करने कौन सी लोकेशन है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब, किस तरह की आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या फार्मा कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो इन सब फैक्टर्स को अगर देखा जाए, तो इन सबको अगर ध्यान में रखा जाए, तो जो कैंडिडेट होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद उसको अराउंड मिलती है 8,000 to 20,000 rupees पर मंथ एट स्टार्टिंग सैलरी होती है ये। इसके बाद इसमें बहुत सारी इंक्रीमेंट्स भी होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ESI, MCD, NDMC, आर्मी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट क्वेश्चंस इन MCQ फॉर्मेट। इन सारे ही एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से हम क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहे, आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।